महू सेक्शन के अजंती और अतर स्टेशन के बीच इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए लगाई ओएचआई के 1000 किलो कॉपर वायर चुराने वाला गिरोह के 5 बदमाशों को आरपीएफ ने पकड़ा। इनमें 2 चोर और 3 खरीदार है, जबकि 4 चोर फरार है। घटना 19 से 20 दिसंबर के रात की है। आरपीएफ के अनुसार अजंती अतर स्टेशन के बीच एक दिन पहले ओएचआई कॉपर वायर डाला था। 19 दिसंबर को गिरोह ने दिन में रेकी की, फिर रात 2:30 से 6 बजे के बीच 3,98,000 रुपए कीमत का 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबा तार काट कर पिकअप में भर कर ले गए। बड़ी चोरी को अंजाम देने वाला गिरोह चोरी के कॉपर वायर को गलाकर बर्तन बनाने वाली फैक्ट्री को बेचने की फिराक में था। आरपीएफ की टीम ने पकड़कर महू जीआरपी को सौंप दिया। शुक्रवार को पूछताछ के बाद पकड़े आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। नया काम चला है ओएचआई वायर डालने का, तो वहाँ अतर और अजंती रेलवे स्टेशन के मध्य में बीच में वहाँ पर 19 दिसंबर को ये चोरी की वारदात हुई, जिसमें कटनरी और कॉन्टैक्ट वायर दो टाइप के वायर होते हैं, उसमें 675 मीटर दोनों तार 675 675, इसकी चोरी की गई। कीमत करीब उसकी 4 लाख रुपए है चोरी के सामान की। तो उसमें हमने फिर 4 टीम बनाई थी अपनी, हमारे महू के इंस्पेक्टर हैं विक्रम सिंह जी, और ये नागदा के इंस्पेक्टर हैं अंसारी साहब, और भी 3 टीम हमने और बनाई इसके अलावा। तो फिर इन्होंने पूरा मेहनत से काम किया और खंडवा में जाके इन्होंने मुखबिरी के सोर्सेज पर लेके उनको 5 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार किया है। उसमें 3 रिसीवर हैं जिन्होंने चोरी के माल को खरीदा, और 2 चोरी करने वाले हैं। इस केस में अभी 4 लोग अभी भी वांछित हैं, फरार हैं। उसके लिए हमने अभी कोर्ट से इन सारे आरोपियों की 5 दिन की रिमांड मांगी है, तो उसमें रिकवरी थोड़ी बाकी है। इसमें ये काम किस काम में आते हैं वायर, आम आदमी कैसे समझे किस काम में आते हैं? जी जी, तरह का मीटर होता है ये जो इलेक्ट्रिफिकेशन लाइन होती है हमारी, डीजल इंजन चलते हैं जो बिजली से चलते हैं, तो ये ऊपर जो लाइन लगाते हैं ओएचई लाइन बोलते हैं उसको, जिससे बिजली के इंजन चलते हैं गाड़ी में, तो ये बिजली के इंजन चलाने के लिए काम आते हैं वायर। सर, कोई नई लाइन डाल दी, खरीदार जो होता था उसको समझ आता होगा कि ये सरकारी सामान है, तो कहीं ना कहीं जो इसको खरीदते होंगे लंबे समय से खरीदते हैं, पूछताछ है कि कहाँ यह बेचते थे, क्योंकि सरकारी संपत्ति को कहीं पे बेचना वो भी सीधे सीधे जुर्म साबित होता, वो भी उसमें आरोपी बनता, तो उसको भी आरोपी बनाया आपने जो खरीदार था? हाँ, उसमें हमने 3 आरोपी खरीदार ही आरोपी बनाए हैं, 3 आरोपी जो जहाँ जहाँ माल बेचा गया उन तीनों को अरेस्ट किया। ये हमारा तो पहला ही केस है, तो उसकी अभी इंटरोगेशन चालू है रिमांड में। पुराने रिकॉर्ड सामने आए हैं? हाँ, पुरानों में अभी ऐसा मालूम चला है कि ये पुराने आदतन आरोपी हैं, इनके खंडवा में कुछ रेलवे के भी केसेज हैं इनके ऊपर काफ़ी मात्रा में। लाइन डाल दी थी? नहीं, कोई लाइन डाल दी। ये खंडवा से महू के मध्य में काम चालू है जी।